देखो, मेरा नाम अनीश पटेल है, मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। आज इस बारे में मुझे इसलिए मुलाकात देना पड़ रही है कि हमारे औरंगाबाद शहर के पूर्व विधानसभा से कांग्रेस ने जिसको समर्थन दी, शहर अध्यक्ष ने और कुछ लोगों ने, वो कैंडिडेट ने, कांग्रेस समर्थन कैंडिडेट ने ऐसे इतने कम वोट लिए, 600-700, जिससे अपक्ष ने भी ज़्यादा वोट लिए, 2000 वोट लिए है अपक्ष ने, और कांग्रेस समर्थन कैंडिडेट को सिर्फ 600-700 वोट मिलते हैं। ये इसलिए मिलेगा साहब, उसका कोई समाज में काम नहीं है, कोई उसका उसमें कार्य में काम नहीं है, और इसलिए कम मिले। अब मैंने 20-21 तारीख का पेपर पढ़ा, लोकमत पेपर में भी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो ऐड है ऑफिशियल, उसमें तो आबू आजमी साहब की फोटो है, उसमें खुला लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी हमारे साथ युति में। तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बोली तो नहीं कि भाई हमारी युति टूटी बोल के। तो यहाँ पर जो है, तो हमारे शहर अध्यक्ष ने जो है तो यूसुफ मुखर्जी को समर्थन दिए, अब उसको 600-700 वोट मिले, सिर्फ 600-700 वोट मिले कांग्रेस समर्थन उम्मीदवार को, साहब ये तो शहर में बदनामी हो रही, हमको लोगों का सामना करना पड़ रहा। और हम जब बोल रहे साहब कि ऐसा काम करना पड़ेगा पूर्व में, ये ऐसा निवेदन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो हमको बोला जा रहा कि तुम मध्य के है। साहब मैं कांग्रेस का शहर अध्यक्ष था, किसान खेत मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष था मैं 8-9 साल, मैं 3-4 साल से प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस का, ऑफिशियल मेरे पास लेटर है, मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किया है, तो मेरा बोलने का अधिकार नहीं पूर्व के बारे में। और जब साहब बदनामी होती है तो पूरे कांग्रेस से क्यों होती है? लोग हम होटल पे जाते हैं, मतलब जाते हैं कहीं, तो हमारे को पूछा जाता है कि तुम्हारे कांग्रेस के कैंडिडेट ने इतने समर्थन वाले कैंडिडेट ने इतने कम वोट लिया, जवाब हमको देना पड़ता है। तो मेरा ये बोलना है साहब, अगर शहर अध्यक्ष की गलती, उसके साथीदारी की गलती है, मुखर्जी को समर्थन देने की और कम वोट मिलते, ये लोगों ने राजीनामा देना चाहिए, नहीं तो मेरी माननीय बाला साहेब जो है तो थोड़ा सा इनसे विनंती है कि ये शहर अध्यक्ष बदल दीजिए और मुस्लिम शहर अध्यक्ष दीजिए। यहाँ पहले जो था ये सब मिलकर मराठा समाज का अध्यक्ष जिले का रहता था और शहर का अध्यक्ष जो था मुस्लिम रहता था, तो यहाँ कांग्रेस जिंदा थी साहब। अगर फिर से कांग्रेस को खड़ी करना है और यहाँ आमदार चुन के लाना है, आने वाले महानगर पालिका में नगर सेवक लाना है साहब, तो शहर अध्यक्ष मुस्लिम लगेगा, क्योंकि साहब जो है तो उसके सिवा जमने वाला नहीं, हमने सब करके देख ले, सब फेल होगा। तो हमारे पास में एक जो है काम करने वाला आदमी है, हर चीज से परिपक्व आदमी है, शेख यूसुफ भाई, इनको अगर शहर अध्यक्ष बने थे तो उनके साथ पूरी टीम रहेंगे, लोग रहेंगे और कांग्रेस को जिंदा करेंगे। नहीं तो कहाँ से आए, किसके किसके नाम आ रहे हैं, उस्मान कहाँ से आए, क्या है, वो लोगों को अगर बना दिया साहब तो कांग्रेस और खत्म हो जाएंगे, एक भी कांग्रेस का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। तो मेरी बाला साहब थोड़ा सा आपसे विनंती है कि आने वाले समय में शेख यूसुफ भाई को शहर की जिम्मेदारी दीजिए, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, जो है तो कांग्रेस को यहाँ फिर से खड़ी करेंगे। कोई लेना देना नहीं, लेकिन कलीम कुरैशी का पहले से नाम था, युक्ति थी ना साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिशियल बैनर है ऐड का, उसमें तो अबू आजमी साहब की फोटो है बाकायदा, नाम है समाजवादी के साथ हमारी युति है, फिर यहाँ क्यों लोगों को डिस्टर्ब किया गया? अरे भाई कम से कम कलीम कुरैशी अपने शर्म लाज तो बचा लेता था, लोगों को बोलने को तो नहीं होता था कि भाई इतने कम वोट मिले। सब अपक्ष को ज्यादा वोट मिल रहे तुम्हारे कांग्रेस समर्थन कैंडिडेट को, जो कि वहां 15 साल से हमारा आमदार था, राजेंद्र रड्डा जी हमारे वो पूर्व विधानसभा से 15 साल से आमदार थे, और वही असेंबली से अगर समझो 600-700 वोट मिलते हैं कांग्रेस समर्थन कैंडिडेट को, यूसुफ मुखर्जी को, तो सब ये बदनामी पूरे कांग्रेस की है, ये कोई एक अध्यक्ष की नहीं है शहर के, या कोई डॉक्टर की नहीं है, ये बदनामी पूरे कांग्रेस की है कि इतने कम वोट मिले साहब, ये हमारे को जो मनोबल गिर रहा है इससे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो है तो नए शहर अध्यक्ष हो, मुस्लिम समाज का हो, जिले पे मराठा समाज हो, मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस को फिर से जिंदा करेंगे। और उसमें एक चीज ये बताना कि मैं शहर में रहता हूँ, शहर के हालात 26-27 एम आई एम के नगर सेवक इम्तियाज जलील साहब हमारे दोस्त थे, आज से नहीं साहब, जब पुणे में रहते थे इंडीटीवी में, टीवी सेंटर पे जब इंटरव्यू को आए थे तो हम दोनों, मैं और मोइन हर्सुलकर साथ में थे उनके, जलील साहब पहचान थे, मेरे उनसे बात भी होती थी, आमदार बने उसके बाद में हमारा मुलाकात कम हो गई, लेकिन हमारे दोस्त थे, उनको भी आप पूछ सकते हैं अनीश पटेल आपके दोस्त थे कि नहीं। मेरा ये बोलना साहब, 5 साल गुजर गए अपने आमदार थे 5 साल, लेकिन साहब वैसा काम नहीं हुआ, लोग मिसाल देते थे लोगों की, ऐसी मिसाल देते थे साहब, वो जायसवाल साहब ने ऐसा जेल में छुड़ा है, पुलिस स्टेशन में छुड़ा है, हमारे मदद के लिए आए, लेकिन जलील साहब के पास में ना आमदार निवास था ना लेटर था। कई लोग ऐसे आते, वो बेचारा कल हमारे को मिला था होटल में, मुख्यमंत्री के पास आया, वो मराठवाड़ा के जो था अपने सिद्धार्थ गार्डन में प्रोग्राम जो था, उन्हें मुख्यमंत्री को बोला साहब, उसको 1,80,000 रुपए दिए उन्होंने इसके लिए, दवा खाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और साहब उसने मुझे बताया कि अनीश भाई बोले मैं खासदार साहब के पास में लेटर लेने गया था, तो मुझे 1 महीने तक उन्होंने बोले रोड मारने लगा। हमारे रहीम भाई पत्रकार है वो भी, उन्होंने बोले क्या है कि हमारा ऐसे पेशेंट था, उसको पैर का इलाज कराने का था,
और आमदार मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए लेटर लग रहा था, नहीं दिए बोले उन्होंने, हमने दूसरे बाहर के जाके आमदार से लेटर लिए बोले। मेरा क्या बोलना है साहब, तुमको आवाम ने चुन के दी, मेरे दोस्त थे आप, मेरे बड़े भाई आप खासदार साहब, और हमेशा आप तरक्की करिए, हमारी आपको सदिच्छा है, लेकिन साहब लेटर देने से कुछ नहीं होता है, लोगों के दिल दे दिए जाते हैं, आप लेटर रख रहे काहे के लिए, काम तो नहीं हो रहा। आप साहब 500 लेटर रखो और ये टारगेट रखो कि मुझे 500,000 लोगों को लेटर देना है, जो आया मुख्यमंत्री सहायता निधि को, जो आपके जेब से तो नहीं जा रही साहब, मुख्यमंत्री सहायता निधि आपके मुख्यमंत्री साहब की और सलमान खान की निधि से दिया जा रहा है लोगों, पब्लिक को, गोर गरीब को, तो आप लेटर दो साहब। आप लेटर देंगे तो लोग जैसी मिसाल देते साहब, आपको मालूम है, कह रहे सबको लोग क्यों मानते हैं। मैं कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, बीजेपी, मन से सब लोगों को, कोई भी फंक्शन में जाओ उनके पैरा पड़ते, क्यों करते हैं? आप दिल्ली में जाएंगे सब खाना पीना उनके तरफ रहता, दिल्ली को अपन ट्रेन करते साहब, अगर अपना टिकट नहीं हुआ तो एक मिनट में लेटर मिलता उनके पास में, एक ही मिनट में जाओ, वो आपको PNR नंबर दो, ये दो, जो भी ट्रेन की जो है आपको देंगे टिकट और दूसरे दिन कन्फर्म होगा। मेरे खासदार साहब जी है, मेरे को दो कंप्लेन है साहब, इसलिए मैं दोस्त बोल के बोल रहा हूँ, छोटा भाई बोल के बोल रहा हूँ खासदार साहब, कि आप जो है तो लेटर में जो है तो कम ये करो ही मत, जो आया उसको लेटर दो, 1,000 लेटर छाप के रखो, जो काम के लिए आ रहा लेडीज आओ, गरीब आदमी आओ, कोई भी समाज का आदमी आओ, उसको लेटर देते रहो, कोई भी बारे में हो, ट्रेन के बारे में हो, नौकरी के बारे में हो, कंपनी में लग रहा हो, फोन करो लोगों ने। मिसाल देना साहब, इम्तियाज जलील के पास गए तो एक मिनट में फोन करते थे साहब, इम्तियाज जलील के पास गए तो लेटर रेडी रहता था। आज खासदार साहब का मैंने खुद उनके पास में बम्बई के लिए जाने के लिए मैंने लेटर लाया था और मेरा टिकट कन्फर्म आया था। आज मैं ऐसे लोग कई लोग मिसाल देते, तो मेरी ये गुजारिश है, अपने औरंगाबाद शहर के खासदार है, हमने भी देखे हमारे साहब झामड़ साहब खड़े हुए थे, पर हमने देखे कि भाई झामड़ साहब का थोड़ा सा ये दिख रहा, तो हमने भी साहब हम खामोश हो गए, फिर हमने बोले चलो आप दूसरा कोई नहीं आ रहा, हमारा आदमी नहीं आ रहा, तो इम्तियाज जलील साहब को चुन के दो, हमारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको मदद करे साहब, और तुम लेटर नहीं दे रहे, काम नहीं कर रहे। आज देखो देखा जाए साहब, तुम फैयाज साहब मुंडे में रहते, तुम्हारे वहां के शहर के रास्ते की क्या दुर्दशा है साहब, शहर का मध्य भाग एरिया है वो, दिल है वो औरंगाबाद शहर का, ये चंपा चौक को जाते जाते देखो साहब, जहांगीर कॉलोनी में जाको साहब, कितना पानी तुम्हारे नारेगांव तुम्हारे पास आता है, सैदा कॉलोनी औरंगाबाद के खासदार है साहब, पानी से ओला दुष्काल होगा साहब, एक दौरा करो, जो कपास का नुकसान हुआ, मक्का का नुकसान हुआ, लोगों को भरपाई दो, तहसीलदार के पास जाओ, SDM के पास जाओ, तलाटी को सर्वे करने लगाओ, पंचनामे करने लगाओ साहब, काम करो, लोगों ने तुम्हारा नाम लेना चाहिए साहब, 4 साल तो हम कितना भी बोले तो तुम कोई खासदार नहीं, बोलने से खासदार रहने वाले नहीं, तुम खासदार रहने वाले, लेकिन हमारी इच्छा है साहब कि लोगों ने बाद में नाम लेना, इम्तियाज जलील के पास गए तो एक मिनट में फोन करते नहीं, एक मिनट में लेटर देते। तो मेरी एक छोटा भाई बोल के जलील साहब से रिक्वेस्ट है, विनती है कि लोगों के काम करे और आवाम का काम हो, और महानगर पालिका में आने वाले समय में जो है तो ज्यादा लोगों का काम, ऐसी मेरी गुजारिश है।